हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं मिशन 50 के EV4E को। अब अगर ये मिशन आया, आप तो मिशन देखते ही सोच लोगे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री का होगा, ये किसी रॉकेट के लिए होगा, ड्रोन के लिए होगा, कुछ भी होगा। आपको ये पता होना चाहिए है क्या, जो सिडबी है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसने एक ये पायलट स्कीम लॉन्च करी है। अब ये देख रहा है, कुल मिलाकर टेस्टिंग मोड पर है। पायलट स्कीम वही होती है, अभी पूरी तरीके से लॉन्च नहीं हुई है। स्कीम का नाम है मिशन 50 के EV4E को। अब देखो, इसके अंदर आपको जानने वाली बात ये ईवी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यूज हुआ है, बस पूरा गेम खत्म। इस मिशन का एम बेसिकली ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम है, इसको इंडिया के अंदर स्ट्रेंथन करना, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की परचेज को फाइनेंस करा जा सके डायरेक्ट और इनडायरेक्टली पैसा देकर MSME सेक्टर्स को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, एज वेल एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को। इससे पहले एक और प्रोग्राम चल रहा था सिडबी का, वो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर चल रहा था, सिडबी वर्ल्ड बैंक इवॉल्व प्रोग्राम, ये उससे मिलता जुलता ही है। अब सिडबी के बारे में अगर हम लोग जाने, फुल फॉर्म आप इसकी यहाँ पर देख सकते हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको पार्लियामेंट के एक एक्ट की सहायता से सेटअप करा गया था 1990 के अंदर, और ये एक मुख्य रूप से एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करता है, उनकी फाइनेंसिंग करता है, उनकी डेवलपमेंट की दिशा में काम करता है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो छोटा सा आर्टिकल हमने देखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कुल मिलाकर उनकी प्रोडक्शन को या कुछ भी अगर उनको बढ़ावा देना है तो सिडबी उस दिशा में काम कर रहा है एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करके, जो कि अभी पायलट मोड पर चल रहा है, टेस्टिंग मोड पर चल रहा है। नाम है उसका मिशन 50 के EV4E को। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर इकोनॉमी, ठीक है, ये मतलब है इसका। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। ये छोटा सा आर्टिकल हमने डिस्कस करा।